हाय, इट्स महिम पॉल। जेनेटिक कोड की बात करेंगे, जो मैसेंजर आरएनए से डीएनए फॉर्मेशन यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस का हिस्सा है। आप लोग जानते हैं, जब डीएनए से डीएनए बनता है यानी रेप्लिकेशन होता है, तो न्यूक्लिक एसिड की एक चेन से न्यूक्लिक एसिड की ही दूसरी चेन बनती है, और जब डीएनए का कोई एक भाग आरएनए में कॉपी होता है यानी ट्रांसक्रिप्शन होता है, तब भी एक न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड का ही फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए दोनों को कहते हैं, तो इनमें एक चीज कॉमन पाई जाती है, वो है कॉम्प्लीमेंट्रिटी। जैसे पहले वाले में डीएनए टू डीएनए में ए एंड टी, जी एंड सी, और सेकंड में डीएनए टू आरएनए में ए एंड यू, जी एंड सी, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेकिन अभी हमें बनाना है प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, यानी प्रोटीन अमीनो एसिड्स का पॉलीमर है। प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन हमेशा आरएनए से ही बनता है। आरएनए है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ एक ही बात है, आप न्यूक्लिक एसिड कहें या न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड भी तो न्यूक्लिक एसिड से ही मिलकर बना है। तो हम कर रहे हैं ट्रांसलेशन बाय पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं पाई जाती, ऑब्वियसली नहीं पाई जाएगी। न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड में जमीन आसमान का जो अंतर है। नाउ स्टॉप, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। आरएनए और प्रोटीन में कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं पाई जाती है, तो आरएनए में पाई जाने वाली इन्फॉर्मेशन से प्रोटीन कैसे बनता होगा, इसके बारे में सर जॉर्ज गैमियो ने रिसर्च करके बताया। उन्होंने 6-7 रूल सेट किए हैं, जिससे आज हम सभी को पता चल सका है कि कैसे एमआरएनए का सीक्वेंस प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है। इन्हीं 5-6 रूल को जेनेटिक कोड कहते हैं। प्रोटीन में यानी अमीनो एसिड के 20 लेटर के कोड में, ये तो आप जानते ही होंगे, 20 अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। जॉर्ज गैमियो द्वारा दिए गए इन कोड को सर हरगोविंद खुराना, मार्शल निरेनबर्ग और सवरोका ने भी सपोर्ट किया। ये कोड ट्रिपलेट होते हैं, यानी 3 नाइट्रोजन बेस या 3 अल्फाबेट से बने होते हैं, और नाइट्रोजन बेस आरएनए में ए, जी, सी एंड यू होते हैं, यानी 4, जो 20 अमीनो एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? तो उन्होंने एक टेबल में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया, यानी इनके क्रम को आगे पीछे बदलकर एक सारणी तैयार की। टोटल 64 कोडोन इसमें बनते हैं, जिसमें से 61 ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, रिमेनिंग 3 किसी को कोड नहीं करते। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को एंड कर देते हैं, इसीलिए स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। ये नॉनसेंस कोडोन भी कहलाते हैं, और ये जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि जैसे ट्रिपल यू एक कोडोन है, फिनिलाइन एलेनाइन अमीनो एसिड को जो कोड करता है, ये बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक सेम रहेगा। नेक्स्ट है, इन जेनेटिक कोड के बीच में कोई कॉमा या स्पेस नहीं होता है। नेक्स्ट है, इन सभी में AUG ही स्टार्ट कोडोन रहता है, जो मिथायोनाइन को कोड करता है। नेक्स्ट है, ये जेनेटिक कोड नॉन एम्बिगुअस होते हैं, यानी एक कोडोन किसी ओनली पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, सो इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। नेक्स्ट है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, यानी एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं, क्योंकि कोडोन तो 60 है ना, लेकिन ये ट्रिप्टोफेन और स्टार्ट कोडोन मेथियोनिन पर नहीं लागू होता। नेक्स्ट है, इनमें 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, जिसमें UGA को ओपल, UAA को अगर और UAG को एम्बर कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।